हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने रोडवेज के बेड़े में 700 बसों के हायर करने व कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल प्रकरण के पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह धनखड़ ने कहा कि जांच होगी तो निजी बसों के प्रकरण के मामले का पर्दाफाश हो सकेगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। अगर इस मामले की जाँच सीबीआई या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से नहीं कराई गई तो 6 जून को रोहतक में होने वाली यूनियन के प्रदेश कार्यकारिणी मीटिंग में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग के अंदर 700 प्राइवेट गाड़ियों को हायर करने का जो फैसला लिया गया था, जिसमें विभाग के कर्मचारी द्वारा आंदोलन किया गया, जिसमें सभी संगठनों का जनता का अपार सहयोग था और यहां तक कि जो 18 दिन लंबी हड़ताल चली थी, माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से हड़ताल को 2 नवम्बर को खोला गया था। इस विषय में हमारा ये कहना है कि उस पूरे प्रकरण की जाँच सीबीआई से करवाई जाए, जिससे वास्तविक स्थिति धरातल पर आएगी। दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। हमारा ये मानना है कि उसकी प्रक्रिया पूर्ण रूप से गलत थी। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उससे पहले ही प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया था। हरियाणा प्रदेश के साथ लगते हुए प्रदेश पंजाब, हिमाचल और पेप्सू में भारी रेट का अंतर है। यहाँ तक कि 700 में से 510 का जो पहले ओपनली उनके जो रेट थे और बाद में 190 जो गाड़ियां हायर करने के रेट थे, उनमें भी काफ़ी डिफरेंस है। इस भिन्नता को देखते हुए आपके माध्यम से हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं, 700 गाड़ियों के हायर कर प्रकरण की पूर्ण रूप से जांच सीबीआई से या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए बने रहिए यस टीवी के साथ।